आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से है, सुलझाना जरूरी है कोरोना की गुत्थी को। आयस स्टार सह कोरोना वायरस प्राकृतिक है यह मानव निर्मित? प्रश्नवाचक। अगर मानव निर्मित है तो इसके पीछे किन लोगों के दिमाग है? प्रश्नवाचक। तमाम दुनिया को इन सवालों के जवाब का इंतजार है। विराम। दुनिया का हुलिया बदल देने वाली इस वायरस की उत्पत्ति पर बहस जनवरी 2020 में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने काफ़ी आनाकानी के बाद कबूल किया कि कोरोना इंसान से इंसान में फैल सकता है। विराम। चीन सरकार अब तक इस पर अड़ी है कि कोरोना वायरस जंगल की उपज है, प्रयोगशाला की नहीं। विराम। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों और वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट सामने आई है, उनसे शक की सुई फिर चीन के वुहान शहर की प्रयोगशाला की तरफ घूम रही है। विराम। पैरा। पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि जब दुनिया कोरोना के नाम से अनजान थी, नवंबर 2019 में वुहान प्रयोगशाला के 300 साथियों को कोरोना जैसे लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। विराम। अब ब्रिटेन और नॉर्वे के दो वैज्ञानिकों ने स्रोत के बाद दावा किया है कि यह वायरस चीन की प्रयोगशाला में ही बनाया गया। विराम। दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना के सैंपल में यूनिक फिंगरप्रिंट मिले हैं, जो प्रयोगशाला में वायरस के साथ छेड़छाड़ तरफ इशारा करते हैं। विराम। ताज़ा घटनाक्रम को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से गहन जांच की तैयारी कर रहा है। विराम। WHO की टीम ने इसी साल फरवरी में जांच के सिलसिले में वुहान का दौरा किया था, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ संदिग्ध उसके हाथ नहीं लगने दिया, जिसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता। विराम। नए खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी अपनी एजेंसियों को कोरोना की उत्पत्ति पर 90 दिन में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। विराम। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यह आशंका की जाती जा चुकी है कि यह सारा मामला जैविक हथियारों की तैयारियों से जुड़ा हो सकता है। विराम। इस आशंका में अगर सच का छोटा सा अंश भी शामिल है तो दुनिया के लिए यह खतरे की घंटी है। विराम। ऐसे हथियार परमाणु हथियारों की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। विराम। कोरोना की उत्पत्ति के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी हैरान करने वाली है। विराम। युद्ध से तबाह देशों में शांति बहाली और पुनर्वास के लिए अपने सदस्य देशों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोरोना से युद्ध के दौरान अब तक जांच की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। विराम। संयुक्त राष्ट्र की टीम कोरोना की उत्पत्ति की जांच पड़ताल करती है तो वह जांच भरोसेमंद और पारदर्शी होगी। विराम। चीन इसलिए भी बार बार पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि अब तक सच सामने लाने के लिए उस पर संयुक्त राष्ट्रीय दबाव नहीं डाला गया। विराम। कोरोना की पहली के हल तक पहुंचने बेहद जरूरी है। विराम। इससे दुनिया को भविष्य में ऐसे वायरस से निपटने की
रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और उन साथी दिमागों की भी शिनाख्त को सकेगी जो प्रयोगशालाओं में मानव जाति को तबाही के नापाक मंसूबे गढ़ते हैं। फुल स्टॉप।